हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके सब्जेक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, 9, 10 टुगेदर. सॉरी 9, 10, 11. ओके, चैप्टर नंबर 1 to 8 वी हैव ऑलरेडी डन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9, 10 एंड 11. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी चैप्टर 9, रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया. इंडिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर रिसर्च हुए थे, ये आपको मेरे साथ साथ फिल करना है और पेंसिल से ही फिल करना है, ध्यान रखिएगा. फटाफट करेंगे हम. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई. ठीक है. कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अहमदाबाद गुजरात. AHMEDABAD अहमदाबाद गुजरात. इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड. अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, रिसर्च हुए, रिसर्च सेंटर है, इन इन जगह पे किसी न किसी चीज़ की रिसर्च हुई थी, है ना. इसलिए इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड ऑलवे केरला. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कर्नाटका. रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऊटाकमुंड तमिलनाडु. सेस्मिक रिसर्च सेंटर क्या है? सेस्मिक रिसर्च सेंटर गौरी विदानूर. ठीक है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई. एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुंबई. सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज त्रिवनंतपुरम. THIRUVANANT तिरुवनंत PURUM पुरम, तिरुवनंतपुरम. ठीक है. फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद. इंडिया साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट बेंगलुरु. न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स मुंबई. शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता. एंड द लास्ट इज स्पेस कमीशन बेंगलुरु. ठीक है. ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट. नाउ टर्न योर पेज चैप्टर 10, बैंकिंग इन इंडिया. अब इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, है ना. तो क्या है कि हर का एक सिंबल है, हर इंस्टीट्यूट का एक सिंबल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल होता है. उन सिंबल्स को देखकर हमें उनके नेम्स राइट डाउन करने हैं. ये है नाबार्ड, NABARD नाबार्ड होता है, उसका साइन है ये. सेकेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा. थर्ड, ICICI बैंक. ये जो सिंबल है ये IDBI बैंक का है. ये जो सिंबल है पंजाब नेशनल बैंक. ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ये जो है पंजाबी टाइप लिखा हुआ है, ये पंजाब एंड सिंध बैंक. फिर ये है बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, AXIS एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यू बना हुआ है सीधा ऊ और यू और उल्टा यू, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ऐसा लाइन और एक ऊपर सर छोटा सा राउंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये आपके सिंबल्स हैं जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. नाउ चैप्टर 11 इज पेंटिंग्स. चलिए, अ पेंटिंग इज अ पिक्चर और डिजाइन एग्जीक्यूट इन पेंट्स. एक पेंटिंग ऐसी पिक्चर होती है जो पेंट्स के जरिए ही एग्जीक्यूट होती है, बनती है. मैनी सर्फेसिस कैन बी यूज फॉर पेंटिंग सच एज पेपर. हम बहुत सारी चीज़ों पर पेंटिंग हम बना सकते हैं, जैसे कि पेपर पर, लकड़ी पर, ग्लास पर, कपड़े पर, वॉल पर और एक्सेट्रा. तो रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेंटिंग्स विद क्लू एंड राइट देयर नेम्स. अब देखो, इमेज एंड लेटर अप्लाइड टू सरफेस डेट आर विजिबल टू जनरल पब्लिक सच एज वॉल्स और ब्रिज. समझ में आया?
जनरल पब्लिक को दिखाने के लिए वॉल्स और ब्रिज के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है, जो इजीली विजिबल होती है, उसको बोलते हैं ग्राफिटी, ग्राफिटी है ना। अ पेंटिंग विच डज नॉट डिस्पाइट ऑब्जेक्ट फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी पेंटिंग जो जो हमें नेचुरल वर्ल्ड संसार में एकदम से दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। थर्ड, अ पेंटिंग शोइंग सीनरी सच एज माउंटेन्स वैलीज रिवर एंड फॉरेस्ट, ऐसी पेंटिंग जो सीनरी दिखाती है माउंटेन की, वैली की, रिवर की और फॉरेस्ट की, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। द पेंटिंग एलुकिडेट अ स्टोरी पोएम एक्सेट्रा बाय प्रोवाइडिंग ए पिक्चर ऑफ समथिंग डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट में कोई लिखा हुआ है, एक स्टोरी है, पोएम है, उसको इंडिकेट करने के लिए जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन। एन एक्सट्रीमली लार्ज पेंटिंग अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अ वॉल, सीलिंग और फ्लोर, फ्लोर पे हो, फर्श पे या छत पे हो या वॉल पे हो, एक लार्ज साइज की जो पेंटिंग है उसको बोलते हैं मुरल, MURAL। क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर सिक्स नंबर, अ पेंटिंग और अदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, पेंटिंग एक ऐसी जो एक आर्टिस्ट वे में प्रेजेंट किया जाता है जिस पर्सन द्वारा, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोला जाता है उसको? पोर्ट्रेट पेंटिंग, है ना। सेवन नंबर, अ ह्यूमरस और सैटिरिकल ड्राइंग डेट सिंप्लीफाइज और एग्जीक्यूटेड अ पर्सन और इवेंट, है ना। किसी इवेंट को शो करते हुए यदि कोई पिक्चर ड्राइंग बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कार्टून, है ना। किसी पर्सन को, किसी इवेंट को सिंपली वे में दिखाया जाता है इंसानी तौर पर, उसको बोलते हैं कार्टून। ठीक है, तो ये आपके जो चैप्टर हैं कौन कौन से कंप्लीट किए अपन ने, चैप्टर 9, 10, 11। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।